नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों, जो कि इसके कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जेल फॉर्म में भी आती है दोस्तों, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मुख्य रूप से देखेंगे जो क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है उसका उपयोग क्या है दोस्तों। वो किसी भी फॉर्म में हो लेकिन काम वो वही करेगी, जैसे कि हम बात करें इंजेक्शन फॉर्म की या फिर टैबलेट फॉर्म की या फिर जेल्स फॉर्म की, तो फ्रेंड्स वो काम उसका एक ही होता है मेडिसिन का। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, उपयोग करने का सही तरीका क्या है, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों माइसेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। अगर हम क्लिंडामाइसिन मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है दोस्तों। ये जो क्लिंडामाइसिन है ये दवाई का मूल नेम है। मार्केट में आपको हो सकता है कि ये अलग नेम से मिले, जैसे कि डेलासिन सी के नाम से कैप्सूल इसके आते हैं दोस्तों, क्लिंडाटेक कैप्सूल के नेम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। ये मार्केट में जेल्स फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है दोस्तों। इस वीडियो में जब हम बात करने वाले हैं कैप्सूल फॉर्म की दोस्तों। अगर हम बात करें इसके डोज स्ट्रेंथ की, तो जैसे कि 150 mg में भी ये अवेलेबल है, 300 mg में भी अवेलेबल है, और जो इसका इंजेक्शन आता है दोस्तों 600 mg में भी अवेलेबल है दोस्तों, जो इसका इंजेक्शन है दोस्तों। अगर हम इसका उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है जब हमारे कभी शरीर में बैक्टीरिया के कारण कोई संक्रमण हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग दोस्तों। हम जान लेते हैं कि किस टाइप का इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके चेहरे पर पिंपल्स या फिर मुहासे बहुत ज्यादा दाने निकल आए हैं और वो बैक्टीरिया के कारण है, तो दोस्तों उस केस में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। अगर पेट से रिलेटेड, मतलब कहने का है कि पेट में कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर स्किन, त्वचा से रिलेटेड किसी प्रकार का बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया है या फिर हड्डियों से रिलेटेड किसी प्रकार का बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया है तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल अगर किसी मरीज के सर्जरी हुई है तो उसके बाद में बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दोस्तों डॉक्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए इसके उपयोग, इसके अलावा और भी इसके उपयोग दोस्तों हो सकते हैं, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें हाउ टू यूज, तो दोस्तों इसको मुख्य रूप से खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसको मुख्य रूप से दिन में 4 बार लेने की सलाह दी जाती है, या फिर आपका डॉक्टर जिस हिसाब से आपका डोज रिकमेंड करता है, जिस हिसाब से लेने की सलाह देता है, उस हिसाब से आप क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक कैप्सूल का इस्तेमाल करें दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें जैसे कि नौजिया है, उल्टी लग सकती है, मतली आ सकती है, और दोस्तों पेट में दर्द हो सकता है, और दोस्तों जो स्किन है इसमें हल्के हल्के से रैश, मतलब दाने टाइप के निकल सकते हैं, और दोस्तों योनि में खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या फिर सफेद पानी आना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई इसका अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत इस मेडिसिन को लेना बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक से एलर्जी है या फिर कभी एलर्जी रह चुकी है तो इसका इस्तेमाल करने से बचें। जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उस केस में सेफ है, जो माताएं प्रेग्नेंट हैं उस केस में भी सेफ है। फ्रेंड्स किडनी या फिर लीवर की आपको अगर गंभीर कोई बीमारी है तो उस केस में डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल दोस्तों करें। दोस्तों अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है पेट में, जिसमें आंतों में घाव से हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों अगर लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, कहने का मतलब है आप लैट्रिन जब जाते हैं तो लैट्रिन के साथ में ब्लड आ जाता है, तो उस केस में भी क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।